आज के ब्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ इंदौर से पुणे की। बाकी बस देखो यार क्या शानदार लग रही है। और बाकी देख लो भाई आज हम प्रकाश भैया के साथ जर्नी कर रहे हैं। ऑलरेडी इनके साथ हमने एक बार जर्नी करी थी और बस ने फाइनली स्टॉप लिया है धमनोद में। रेस्टोरेंट है फूडी। तो देख रहे हो जैसे सवेरा हुआ है क्या खूबसूरत नज़ारे दिखाई देना स्टार्ट हो गए हैं। Hey guys, what's up? I am Saurav Rajput of Real Adventure. Good evening from Indore, Madhya Pradesh. So, एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग और आज के ब्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ इंदौर से पुणे की। वैसे मैं आपको बता दूं आज मैं जर्नी करने वाला हूँ राजरतन की ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600 बस में। इससे पहले भी राजरतन की वॉल्वो 9600 में हमने जर्नी करी थी जब मैं गया था मुंबई से इंदौर और आज जर्नी रहने वाली है इंदौर से पुणे की। बात करें जर्नी डिस्टेंस की तो वो रहने वाला है करीबन 630 किलोमीटर के आसपास। बस रवाना होगी विजयनगर में मौजूद राजरतन के ऑफिस से शाम को 7:45 पे और मॉर्निंग में हमें पुणे पहुंचा देगी करीबन 8:30-9:30 के आसपास तो पहुंचा देगी। तो भाई लास्ट टाइम आपने राजरतन की वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था, काफी अच्छा प्यार दिया था, चाहे वो यूट्यूब पे हो इंस्टाग्राम पे हो। तो मैंने सोचा क्यों ना राजरतन की बस जर्नी एक बार दोबारा आपके सामने पेश करा जाए। और देखो दस्तूर भी ऐसा है कि भाई नई नवेली वॉल्वो शुरू हुई है, हालांकि एक दो रन उसके अभी हो चुके हैं, ये कह सकते हो कि भाई बिल्कुल नई ही है। और बाकी आपको पता ही है कि भाई राजरतन की वॉल्वो कितनी शानदार रहती है, लग्जरी के साथ साथ भाई एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि टीवी वगैरह बस में रहते हैं। तो भाई जो सफर होता है ना कंफर्ट के साथ साथ एंटरटेनमेंट से भी भरा हुआ था। तो कुल मिला के जो राजरतन की बस है ना काफी अच्छी रहती है। तो जैसे राजरतन की बस सर्विस काफी शानदार और काफी अच्छी है ना, उसी तरीके से ये शहर भी काफी शानदार और काफी अच्छा है। इंदौर में आज मैं मौजूद हूं और क्या कहने इंदौर शहर के, भाई साफ स्वच्छता के अभियान में आपको पता है कि भाई हर साल इंदौर आगे रहता है और देश का नंबर वन शहर बन के उभरता है। तो शहर है इंदौर एक नंबर। तो अगर भाई साहब इंदौर से कोई वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बता दो कि भाई इंदौर और किन किन चीजों के लिए फेमस है। तो जी टाइम हो गया 6:30, बस हमारी रवाना होनी है 7:45 पे मेरे होटल से। राजरतन का जो ऑफिस है ना करीबन 10-15 की दूरी पे, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं और राजरतन के ऑफिस में जाके आपसे मिलते हैं। तो जी मैं पहुंच चुका हूं अभी राजरतन के ऑफिस के बाहर। लोकेशन एक बार आप देख लीजिए, इधर है सयाजी होटल और सयाजी होटल के जस्ट बैक साइड पे आप आओगे ना यहाँ पे स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा और जस्ट इसके सामने यहाँ मौजूद है राजरतन का ऑफिस। बाकी देखो वहाँ पे पूरा एड्रेस भी लिखा हुआ है, सयाजी क्लब रोड बिहाइंड होटल सयाजी। तो ये राजरतन का ऑफिस है। बाकी देखो इधर काफी सारी बसेस भी यहाँ पे खड़ी है, येलो वाली वॉल्वो 9600 भी खड़ी है जिसमें हमने सफर करा था मुंबई से इंदौर का। तो राजरतन की जितनी भी बस है ना इंदौर में वो यहीं से बन के चलती है, हालांकि अपनी बस अभी यहाँ पे नहीं लगी है, 10-15 में हो सकता है कि यहाँ पे लग जाए। तो चलिए मैं यहाँ से करूंगा बस में बोर्ड और निकलूंगा पुणे की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी इंदौर से पुणे की। तो जी फाइनली बस में बोर्ड कर लिया है। बस देख लो अंदर से देखने में कुछ ऐसी है, 2x1 का स्लीपर बर्थ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है ऊपर भी और नीचे भी। बाकी बस देखो यार क्या शानदार लग रही है, देख रहे हो इंटीरियर, ये जो ब्लू कलर के कर्टन्स यार कितने ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। और बाकी आपको पता ही है कि भाई स्लीपर बर्थ पे मौजूद होते हैं एसी ब्लोर, रीडिंग लैंप रहते हैं, बीच में कर्टेंस रहते हैं ताकि भाई दो डिफरेंट पर्सन ट्रेवल कर रहे हैं तो प्राइवेसी वगैरह थोड़ी सी मेंटेन हो सके। राजरतन की तरफ से यहाँ पे भाई पिलो देखने को मिल जाते हैं और उधर ऊपर भाई वॉल्वो का बैक रेस्ट है, हेड रेस्ट है, उसके अलावा चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी अब आ गया नई वाली वॉल्वो में। उसके अलावा इस बस में खास बात यह है कि भाई देखो आपको ना एक चार्जिंग सॉकेट भी अलग से देखने को मिल जाता है। और बाकी राजरतन की वॉल्वो की खास बात आपको बताइए कि भाई कम्फर्ट के साथ साथ ना ये आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखते हो। देख रहे हो भाई टीवी स्क्रीन आपको नजर आ रही होंगी और ये जितनी भी टीवी स्क्रीन्स है ना सारी स्मार्ट टीवी स्क्रीन है, इस पे आप YouTube एक्सेस कर सकते हो, OTT कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, बस में वाईफाई होता है और वो वाईफाई टीवी से कनेक्ट होता है तो अच्छा खासा एंटरटेनमेंट का लुफ्त आप इसमें उठा सकते हो। और भाई वाईफाई से कनेक्ट करके तो भाई YouTube का OTT एप्स का मजा आप इन टीवी स्क्रीन में उठा ही सकते हो। और खास बात एक और है वो ये है कि भाई ये जो टीवी स्क्रीन है ये आप थोड़ी अपग्रेड हो चुकी है, इनको आप
अपने वायरलेस ईयरफोन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। पहले क्या होता था ना कि भाई वायर्ड वाली ईयरफोन के थ्रू टीवी कनेक्ट होते थे बस वाले जो होते थे, तो बस ऑपरेटर भाई कभी कभार ईयरफोन प्रोवाइड करवाते थे, कभी नहीं भी करवाते थे। उनका भी रीजन था कि यार जो वायर्ड ईयरफोन जो प्रोवाइड करवाते थे लोग उनको अक्सर लेके चले जाते थे, तो वो जो सिस्टम है ना वो भाई बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अभी ये जो टीवी स्क्रीन है ना वो वायरलेस हो चुकी है। और बाकी टीवी को एक्सेस करने के लिए ना यहीं पे देखो टीवी का रिमोट भी दिया हुआ है। इसके फीचर मैं अभी आपको आगे अच्छे से बता दूंगा। एंट्रेंस गेट के ऊपर आपको सीसीटीवी की सर्विलेंस देखने को मिल जाएगी। टाइम देखने के लिए छोटी सी स्क्रीन है। इसके अलावा हर स्लीपर बर्थ के ऊपर आपको राजा तन की यहाँ पर ब्रांडिंग दिख रही होगी। स्लीपर बर्थ यहाँ पे नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। जितने भी विंडो रहती हैं इमरजेंसी एग्जिट के साथ रहती हैं। एक इमरजेंसी एग्जिट दिया जाता है यहाँ पे, एक इमरजेंसी एग्जिट दिया जाता है पीछे की तरफ, और यहीं पे ना इस बीच वाली स्लीपर बर्थ पे एक इमरजेंसी एग्जिट और मौजूद होता है जो ये रहा। ये स्लीपर बर्थ क्या होती है ना, ये रोटेट हो जाती है ऐसे करके, और यहाँ पे स्टेयर केस होती है। स्टेयर केस के थ्रू आप भाई इमरजेंसी एग्जिट से इमरजेंसी के टाइम पे एग्जिट ले सकते हैं। चलिए एक बार पीछे भी आपको दिखाई देते हैं। पीछे की जो बर्थ होती है वो भाई उनको स्टेयर केस के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है, क्योंकि भाई पीछे इंजन होता है और जो पीछे बर्थ होती है ना वो थोड़ा सा ऊपर होती है इंजन होने की वजह से, इसलिए यहाँ पे स्टेयर्स भी दी जाती हैं। और बाकी देख लो भाई आज हम प्रकाश भैया के साथ जर्नी कर रहे हैं। ऑलरेडी इनके साथ हमने एक बार जर्नी करी थी इंदौर से मुंबई की। कैसे हो भैया? ठीक है सर। और कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया बढ़िया। अच्छा भैया आपका नाम क्या है? लोकेश राजा। अच्छा ये भी हमारे साथ चलेंगे? अच्छा पूरे रूट पे अपने दो ड्राइवर रहेंगे ना वैसे? एक आप हो गए एक दूसरे ऑफिस से बैठेंगे। अच्छा उनका नाम क्या है? विनोद जी हिरवे। और बाकी बस में बोर्ड करके अभी मैं दोबारा से नीचे उतर गया, क्योंकि बस को चलने में थोड़ा सा टाइम था। बाकी बस की लुक देखो यार बाहर से कितनी शानदार लग रही है, और जो टीवी स्क्रीन के नजारे हैं ना बाहर से देखो भाई अलग ही लुक निकल के आ रही है। देख रहे हो भाई साहब क्या जबरदस्त लीवरी लग रही है। येलो वाली जो बस थी ना जिसमें पिछली बार सफर करा था वो भी काफी अच्छी थी, और ये जो ब्लू वाली लीवरी है ये भी इनकी काफी अच्छी है। और क्योंकि बस है वॉल्वो 9600 तो आपको पता ही है कि भाई लेंथ रहती है करीबन 15 मीटर, हाइट रहती है 4 मीटर के आसपास, और जो विड्थ है ना वो रहती है 2.6 मीटर के आसपास। और बाकी एयर सस्पेंशन मिलता है, ईबीएस एबीएस जैसे फीचर रहते हैं, तो ओवरऑल जो सफर रहता है ना वो काफी कंफर्टेबल रहता है। बस एक कमी जो मुझे इस बस में थोड़ी सी लगती है ना वो है एक बायो टॉयलेट। अगर इसमें एक बायो टॉयलेट भी पीछे की तरफ इंट्रोड्यूस करा दिया जाए ना तो भाई साहब फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बाकी एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, हाल फिलहाल में ये बस बेशक से इंदौर से पुणे रूट पे ऑपरेट हो रही है, लेकिन जो फ्यूचर रूट्स का रहने वाला है ना वो होने वाला है भोपाल से पुणे। भाई टाइम देख लो लगभग 8:05 होने को है और अपनी बस रवाना हो चुकी है विजयनगर से। अच्छा प्रकाश जी एक चीज बताइए, अपनी बस के बोर्डिंग पॉइंट क्या क्या रहते हैं इस बोर्डिंग पॉइंट के अलावा? यहाँ से पिपले आना। अच्छा चोइत्राम मंडी हमारा मेन ऑफिस है। अच्छा ऑफिस राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर से सिलिकॉन सिटी। अच्छा सिलिकॉन सिटी से राव सर्कल। और बस का रूट क्या रहता है? अपना रूट रहता है सर यहाँ से जुलवानिया, सेलवा, सिरपुर, मालेगांव, धुलिया, नासिक, और नासिक से फिर अपन कट जाते हैं। अच्छा वाया नासिक होते हुए जाते हैं। और देखो ये सामने इंटरसिटी इंदौर की जो वॉल्वो 9600 बस आप देख रहे हो ना ये भी यहाँ इंदौर से पुणे रूट पे ऑपरेट होती है। ये विजयनगर है सर, सामने बिजनेस पार्क है, ये हमारी नई मेट्रो लाइन बनी इंदौर की। हाँ मेट्रो काम जोरों शोरों पे है इंदौर में ना। बढ़िया चल रहा है ये रेडिसन चौराहा बोलते हैं। अच्छा ये रेडिसन चौराहा है। बाकी भाई एक चीज तो है, राजतन की बस में ना आपको सीसीटीवी की सर्विलेंस अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। देखो एक सीसीटीवी कैमरा वहां लगा है, एक उधर लगा है, एक सीसीटीवी कैमरा ना इधर ड्राइवर साहब के जस्ट पीछे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि सामने का जो व्यू है ना वो सारा का सारा इस सीसीटीवी कैमरा से कवर हो सके। और बाकी आज मैं पहली बार डबल शेयरिंग बर्थ पे जर्नी कर रहा हूँ, हमेशा मैं सिंगल स्लीपर बर्थ ही लेता हूँ, लेकिन आज सिंगल स्लीपर बर्थ खाली नहीं थी तो डबल स्लीपर बर्थ पे मुझे अपनी बर्थ बुक करनी पड़ी। बस की टिकट मैंने बुक करी थी रेड बस से, वैसे इसके अलावा अभी बस यात्रा पेटीएम बस सभी लीडिंग प्लेटफॉर्म पर बस की टिकट अवेलेबल है, तो कहीं से भी आप बस की टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा राजरत्न की वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वेबसाइट के थ्रू भी बस की टिकट आप बुक करवा सकते हैं। देखो डबल स्लीपर बर्थ पे क्या रहता है ना, अगर दो लोग जानने वाले हैं तो सफर थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल रहता है। आप समझ रहे होगे अभी सपोज यहाँ पे कोई डिफरेंट बंदा और मैंने विंडो वाली सीट ले रखी है, अभी सपोज मुझे बार बार नीचे उतरना पड़े किसी काम से तो भाई साइड वाले बंदे को बहुत डिस्टर्बेंस होती है, तो अगर दो लोग जानने पहचानने वाले होना तो उतनी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये अभी हम आ गए हैं राजतन के हेड ऑफिस। कौन सी जगह है भैया ये?
चोइथरा मंडी है मानिक बाग रोड पे, अपना ऑफिस है चोइथरा हॉस्पिटल। अच्छा, ये हेड ऑफिस है ना, तो देख लो भाई काफी सारी बसेस यहाँ पे आपको खड़ी देखने को मिल जाएंगी। बैठने वगैरह की अरेंजमेंट यहाँ पे पूरी है। अंदर के अंदर लगेज ऑफिस है क्या सर? अच्छा, तो देख लो भाई काफी सारी बसेस यहाँ पे खड़ी हुई है। तो मतलब जो मेन काम चलता है राजस्थान का वो पूरा इसी ऑफिस से चलता है, है ना? अच्छा, और देख लो भाई काफी सारी बसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बस किधर जा रही है? अच्छा, राजकोट अहमदाबाद जाती है ये बस। बाकी अभी मैंने आपको बताया था ना कि अभी वायरलेस वाला सिस्टम हो गया कि भाई टीवी को आप अपने वायरलेस ईयरफोन से कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास वायरलेस ईयरफोन नहीं है ना, तो खास बात एक और है कि भाई इसमें आप वायर्ड ईयरफोन भी यूज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ना आपको वायर्ड ईयरफोन के लिए जैक देखने को मिल जाएंगे। ये बटन है ऑन ऑफ का, इससे टीवी ऑन ऑफ होता है। और ये हो गया टीवी का रिमोट। तो चलिए एक बार टीवी ऑपरेट करके देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हम दबाते हैं बीच वाला बटन, क्योंकि ये ओके का बटन है। ये ओके का बटन मैंने यहाँ पे दबाया, तो उधर देखिए अभी टीवी पे सारे ऑप्शन डिस्प्ले हो चुके हैं। तो चलिए एक बार यूट्यूब पे कुछ कंटेंट प्ले करके देखते हैं, और देखते हैं कि भाई बस के वाईफाई से जो टीवी पे यूट्यूब वगैरह या ओटीटी कंटेंट हम प्ले करते हैं, क्या वो स्मूथली रन कर पाता है या फिर नहीं। तो देख लीजिए भाई अभी यूट्यूब पे अपना ही चैनल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, रियल एडवेंचर। चलिए भाई एक बार कुछ प्ले करके देखते हैं, लेटेस्ट वीडियो प्ले करके देखते हैं, मनाली टू किलो, क्योंकि नज़ारों भरी वीडियो है ना। तो देख लो भाई अभी अपनी वीडियो मैंने यहाँ पे प्ले कर ली है मनाली से किलोंग वाली, और देख लो यार कितना स्मूथली वीडियो ये प्ले हो रही है बिना बफरिंग करे हुए भाई साहब, बढ़िया। तो देख लो भाई टाइम लगभग 9:15 हो चुके हैं और बस पहुंच चुकी है राजेंद्र नगर। और बाकी इधर हमारे साथ दूसरे कैप्टन साहब मौजूद हैं जो अभी हेड ऑफिस से चढ़े थे। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको राजेंद्र के साथ काम करते हुए? अच्छा, और वॉल्वो ड्राइव करते हुए? अच्छा, और ये नई नवेली वॉल्वो 9600 कैसी लग रही है? बढ़िया। और बाकी एसी ब्लोर देख लो भाई, एक जस्ट यहाँ सामने की तरफ है और एक एसी ब्लोर मिलता है उधर की तरफ। बाकी यहाँ पे बटन्स हैं जिससे रीडिंग लैंप और बर्थ लैंप कंट्रोल होते हैं। देखिए ये बटन दबाया तो बर्थ लैंप अभी ऑफ हो गया है, देखो दोबारा दबाता हूँ ऑन हो गया, और ये बटन दबाता हूँ तो रीडिंग लैंप ये वाला लैंप ऑन हो जाता है। से जैसे ही आप बाहर आ जाते हो ना, तो काफी अच्छा घाट सेक्शन बीच बीच में पड़ता है। अभी रात है तो उतना अच्छे से जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको बता दूं अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भैरव घाट को। फ्रेंड का शॉप है, होटल पे गाड़ी रुकेगी, खाने के लिए समय का सभी ध्यान रखें, मोबाइल पर्स कीमती सामान साथ में रखना। 20 मिनट का शॉप है, मोबाइल पर्स कीमती सामान साथ में रखे, गाड़ी लॉक होगी सभी नीचे उतर जाना, खाने के लिए गाड़ी रुकेगी होटल पे, 20 मिनट का स्टॉप रहेगा। भाई टाइम हो गया है लगभग 11 बज चुके हैं और बस ने फाइनली स्टॉप लिया है धमनोद में। रेस्टोरेंट है फूडी के नाम से रेस्टोरेंट है। तो चलिए रेस्टोरेंट में चलते हैं, पेट का काम 25 करते हैं और बाकी बातें करते हैं बाद में। तो जी खाना वाना खा लिया और रेस्ट स्टॉप से बस भी निकल चुकी है। बाकी इस फूडी रेस्टोरेंट पे जब हमने मुंबई से इंदौर की जर्नी करी थी तब यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा था, और ब्रेकफास्ट काफ़ी बढ़िया लगा था। और आज के डिनर की बात करें तो भाई साहब डिनर भी काफ़ी बढ़िया बना रखा था। बाकी बस के स्टाफ ने खाने के लिए इनवाइट करा हुआ था, तो जो खाना था ना बस के स्टाफ के साथ ही बैठ के खाया था, इसलिए मेन्यू वगैरह मैं आपको नहीं दिखा सका, लेकिन हाँ यार खाना बहुत बढ़िया बना रखा था भाई। बाकी देख लो भाई ये जो रिवर देख रहे हो ना, नर्मदा रिवर है, अंधेरे में आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रही होगी। अभी यहाँ पे बस रुकी थी किसी काम के लिए,
और ये देख लीजिए, ये जो नीचे आप नदी देख रहे हो ना, पूरी नर्मदा रिवर है। तो देखो रात को शादी या पार्टी में से तो कहीं से ये लोग आ रहे हैं, और देखो टेम्पू के पीछे भी लटके और टेम्पू के ना ऊपर किनारे पे भी बैठे हुए हैं। तो देख रहे हो कितना ज्यादा रिस्क ये लोग अपनी जान का ले रहे हैं। अरे महाराष्ट्र का बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है? सेंधवा पार करने के बाद में पिजास्त्री घाट आता है, उसके बाद में प्लासनेर गांव आता है। अच्छा। प्लासनेर के बाद में चेक पोस्ट आएगा महाराष्ट्र का बॉर्डर। अच्छा, प्लासनेर के बाद फिर बेसिकली महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। हाँ, महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। तो भाई टाइम हो गया 12:40 और कुछ ही देर में अभी हम पहुंच जाएंगे प्लासनेर, जहां से बेसिकली हमारी एंट्री हो जाएगी महाराष्ट्र में। लेकिन अभी मुझे आ रही है बहुत ज़ोरों शोरों से नींद, तो चलिए भाई अभी मैं सोता हूं और जहां मेरी नींद खुलती है ना आप सीधा वहां मैं आपको अपडेट देता हूं। गुड नाइट। कभी ऐसा होता है कि भाई सफर जितना मर्जी कंफर्टेबल हो लेकिन नींद नहीं आती है, और कभी कभी इस कदर नींद आती है, वो वाली कहावत सुनी होगी आपने कि घोड़े बेच के सो गया, तो ऐसे कुछ सीन हुआ। इतनी तगड़ी नींद आई कि नाशिक वाशिक सब निकल चुका है। टाइम हो गया है सुबह के 6:15 और भाई अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा था। वो तो एक अच्छा सा ना घाट सेक्शन मुझे दिखाई दिया, जैसे ही मैं हल्का सा नींद से खुला देखा कि घाट सेक्शन आया तो सोचा कि ये कवर कर लेते हैं, नहीं तो नींद में ये भी निकल जाएगा और सीधा फोने जाके नींद खुलेगी। तो अशोक ट्रेवल मंडसौर की ये जो वॉल्वो 9600 अभी हमें क्रॉस कर रही है ना, ये बेसिकली ऑपरेट होती है इंदौर से पुणे रूट पे। ऐसी 4 बसेस अशोक ट्रेवल मंडसौर ने ली थी, जिनमें से 2 लगाई थी दिल्ली इंदौर रूट पे और 2 लगाई थी इंदौर पुणे रूट पे। तो दिल्ली से इंदौर का ब्लॉग ऑलरेडी आप इस बस का हमारे चैनल पर देख चुके हैं। कोशिश करेंगे कि भाई फ्यूचर में इंदौर से पुणे या फिर पुणे से इंदौर इस बस में भी ब्लॉग बनाया जाए।
हाँ यार कंबल बड़ा अच्छा है यार, कंबल की जो क्वालिटी है ना बिल्कुल मखमल ही है यार कंबल सच में। और जो गद्दे हैं ना भाई, मुझे लग रहा है कि नॉर्मल वॉल्वो से ना थोड़े से अलग हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। मतलब वॉल्वो वाले जो गद्दे होते हैं ना वो थोड़े से हार्ड मैंने फील करे, लेकिन ये जो गद्दे हैं ना यार काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई। चाहे वो ब्लैंकेट हो, इनके गद्दों की क्वालिटी हो यार काफ़ी चीज़। और पिलो भी आप देख रहे होगे तो ये वॉल्वो वाला पिलो नहीं है, दूसरा पिलो और काफ़ी सॉफ्ट है। देखो आपको दबाने से पता चल रहा होगा, ये देख रहे हो ऐसे करके दबाया तो देख रहे हो कितना स्पंजीज आई है। तो पिलो की क्वालिटी भी यार काफ़ी बढ़िया लगी। तो मतलब राजरतन यार पैसेंजर के कंफर्ट के हिसाब से इतना सोचते हैं तो भाई काफ़ी बढ़िया बात है। और सच में यार बहुत बढ़िया नींद आई। और जैसा आपको बता रहा था कि भाई हो सकता है कि बर्थ शेयर करनी पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पूरी बस में ना करीबन 6 से 7 स्लीपर बर्थ ही खाली थी। और किस्मत देखो मेरी 7 वाली स्लीपर बर्थ खाली थी, तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, कर्टेंस लाने के बीच में ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देख रहे हो क्या खूबसूरत नज़ारे दिखाई देना शुरू हो गए हैं, ये है खूबसूरती महाराष्ट्र की। बाकी मानसून टाइम पे जब महाराष्ट्र की जर्नी होती है तो भाई साहब फिर क्या ही कहने, उस टाइम पे यहाँ की जो खूबसूरती होती है ना वो दो गुना हो जाती है। तो इस मानसून में महाराष्ट्र की कुछ बस जर्नीज मैंने करी थी जिनको करके मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते वो उन वीडियोज़ में देख सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र की जो खूबसूरती है ना वो मानसून के टाइम पर कितनी ज़्यादा होती है। तो भाई टाइम हुआ है 5:50 और बस अभी क्रॉस कर रही है आले फाटा नाम की जगह को। सनराइज देखो यार कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसा सनराइज देखने का ना कभी कभी मौका मिलता है बॉस। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है, इसलिए शुगर केन की फार्मिंग भी ना यहाँ पर आपको रोड साइड पर काफ़ी देखने को मिल जाती है।
क्या नाम? और जी बाकी अभी हम बाईपास कर रहे हैं राजगुरु नगर को, और राजगुरु नगर के आसपास से ही ना पुणे मेट्रोपॉलिटन एरिया शुरू हो जाता है। जैसे आपने दिल्ली एनसीआर सुना होगा, दिल्ली और उसके आसपास की कुछ जगह को मिला के दिल्ली एनसीआर एक रीजन बना दिया, ऐसे पुणे और उसके आसपास की कुछ जगह को मिला के ना पुणे मेट्रोपॉलिटन एरिया बना दिया। तो बेसिकली यही राजगुरु नगर के आसपास से तो कहीं से पुणे मेट्रोपॉलिटन एरिया शुरू हो जाता है। तो देखो मेरा तो ड्रॉपिंग पॉइंट आने वाला है भोसरी, जो कि पुणे के आउटस्कर्ट पे मौजूद है। लेकिन बात करें अगर पुणे के डीबोर्डिंग पॉइंट की, तो जितने भी डीबोर्डिंग पॉइंट रहने वाले हैं ना पुणे के, सारे स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा। तो जी 12.5 घंटे की जर्नी करके मैं पहुंच गया हूं भोसरी पुणे में। वैसे प्रॉपर पुणे सिटी में नहीं बोल सकते, लेकिन पुणे का एक सब अर्बन एरिया है, आउटस्कर्ट में पड़ता है पुणे का, या फिर ये कह सकते हो कि पुणे मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंडर आता है। एक्चुअली क्या है कि शाम को मैंने यहाँ से एक और जर्नी प्लान कर रखी है, तो उसका जो फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट है वो यही भोसरी में, तो सोचा कि क्यों ना यही भोसरी उतर लिया जाए, तो शाम को यहाँ से आसानी रहेगी उस बस में बोर्ड करने के लिए। अदरवाइज मैं पुणे के किसी एंड एरिया पे जाता एंड टू एंड जर्नी आपको दिखाने के लिए, फिर वापस लौट के मैं शाम को भोसरी आता, ट्रैफिक वगैरह सिटी में काफी होता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क एक हो जाता है, इसलिए मैं यही भोसरी उतर गया था। सुबह 8:15 में मुझे बस ने यहाँ पे उतार दिया था। बाकी बात करें जर्नी की, तो जर्नी बढ़िया थी। ऑब्वियसली बात है भाई, वॉल्वो की जर्नी, और वॉल्वो की जर्नी कंफर्टेबल रहती है, ऊपर से राजतन की वॉल्वो हो तो भाई साहब फिर क्या ही कहने। राजतन की तरफ से जो सर्विस है ना वो भी काफी टॉप नॉच रहती है, और ऊपर से जो स्टाफ है ना राजतन का वो भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए जितनी डिटेल थी जर्नी की वो व्लॉग के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ, उस व्लॉग को करते हैं यही रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और पता ही खालियात नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।